नमस्कार, बहस के इस खास कार्यक्रम एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आपने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले एक मुद्दा बहुत जोर शोर से आगे बढ़ा और अब तक चल रहा है एक देश एक कानून। हालांकि ये बात बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के लिए थी। इसे मुद्दा भी बनाया गया, राजनीतिक फायदा भी उठाया गया और बात अब तक चल रही है। लेकिन इस बात को उठाने वाले लोग ये भूल गए कि भारत विविधताओं का देश है और यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बटी हुई हैं। और एक मुद्दा और आ गया है, वो है एट्रोसिटी एक्ट, यानी कि SC ST एक्ट। यकीन मानिए कि आखिर ये क्यों बड़ा रूप ले रहा है। बिना राजनीति के, बिना राजनेताओं के ये संभव नहीं है। और अगर ये बात आगे बढ़ी, अगर इस मुद्दे पर बवाल हुआ, तो यकीन मानिए देश बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा और पता नहीं क्या होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्यों है, क्या ये जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है, और अगर इसका विरोध हो रहा है तो कितना होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। असम में एक बड़ा हादसा हो गया है। उत्तरी गुवाहाटी में एक नाव ब्रह्मपुत्र नदी में पलट गई है। जानकारी के मुताबिक नाव में 40 लोग सवार थे, इसमें से 12 लोग तैरकर बच गए, बाकी सब डूब गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अभी तक 2 शवों को बरामद किया गया। राफेल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। ये याचिका वकील ML शर्मा ने दाखिल की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताना मारा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस पवित्र स्थान पर किसी प्रकार की नफरत नहीं है, बीजेपी उनकी यात्रा को पाखंड से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस उन्हें शिवभक्त कह रही है। शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, नोटबंदी फेल हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कौन जिम्मेदारी लेगा। गौरव यात्रा पर निकली राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी यात्रा पर सरकारी खर्च नहीं करने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A पर रार जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में इसको अपना मुद्दा बनाया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र इस पर अपना रुख साफ नहीं करती है, तब तक पार्टी पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। दिल्ली में आज वाम दलों के समर्थन वाले किसान और मजदूर संगठन ने एक विशाल रैली की है। रामलीला मैदान से लेकर संसद भवन तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें फौरन लागू करने, मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने जैसी कई मांगें कर रहे हैं। और SC ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ सवर्णों ने गुरुवार को भारत बंद का ऐलान किया है। सपाक्स सहित करीब 30 से ज्यादा संगठन इसमें शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई है। मध्य प्रदेश में खासी नजर रखी जा रही है, जहां पिछले कई दिनों से ये विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, इस मुद्दे को हवा क्यों दी जा रही है, क्या राजनेता और राजनीतिक संगठन इसमें अपना हित देख रहे हैं। क्योंकि अगर राजनेता और राजनीतिक संगठन इसके पीछे नहीं है तो ये इतना विशाल रूप नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी बात कि भले ही भारत बंद है, लेकिन जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहीं पर इसकी सबसे ज्यादा आग क्यों देखी जा रही है, क्या कोई राजनीतिक माने हैं, क्या कोई संकेत हैं, क्या कोई संदेश हैं? इसलिए हम कह रहे हैं तमाम बातों के बीच कि आखिर यह संगठन क्या रूप ले रहा है, और यह संगठन अपने आप में विशाल रूप दे रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनका विरोध हो गया है। और यह गुस्सा उस SC ST एक्ट को लेकर है जिसमें मोदी सरकार ने संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसी के विरोध में सवर्णों ने 6 सितंबर को भारत बंद बुलाया। इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन में लगातार इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश से ये निकलकर आग वहां जा पहुंची है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इन तीनों राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है
कि विरोध सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के नेताओं को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत राजनीति सिर चढ़कर बोलने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सब जानबूझकर सियासी फायदा उठाने के लिए हो रहा है या फिर बात हकीकत अधिकारों की है। इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे एडिटर चॉइस में। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख, साथ ही भोपाल में हम चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया, जयपुर हम चलेंगे जहां पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह मौजूद होंगे और दलित चिंतक प्रोफेसर कौशल पवार भी हमारे साथ होंगी। तमाम तरह की चर्चा करेंगे, इस चर्चा के बीच बहुत सारी चीजें हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कौशल जी से सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं। कौशल जी, एक बड़ा मुद्दा, देश के लिए बड़ा मुद्दा, एट्रोसिटी एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो दलित और आदिवासियों के हित की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके ऊपर होने वाले उत्पीड़न को रोकता है और उन्हें अधिकार देता है और व्यवस्था को, सरकारों को मजबूर भी कराता है कि आप इन्हें न्याय दीजिए अगर इनके ऊपर अत्याचार होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस बात को लेकर कि इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है और तमाम सारे ऐसे उदाहरण भी सुप्रीम कोर्ट में देखे, अध्ययन हुए, लेकिन दबाव हुआ, राजनीतिक दबाव हुआ, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। संख्या इसलिए बड़ी है क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजनेताओं के लिए एक आग के गोले की तरह है कि इससे खेलोगे तो जल जाओगे। मैं एक एक तीन राज्यों का आपको संक्षिप्त में एक आंकड़ा बता देना चाहता हूं कि अगर ये समुदाय नाराज हो जाए तो राजनीतिक पार्टियों का क्या होगा, उनका जो इनके खिलाफ है, इनके एक्ट में परिवर्तन करती हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनके अधिकारों से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान, एससी यानी कि दलित समुदाय 17.2% और एसटी 12.61%, छत्तीसगढ़ एससी 17.6% और एसटी 31.8%, मध्य प्रदेश एससी 15.2% और एसटी 20.3%। केवल अगर ये वर्ग किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आ जाए तो वहां की सत्ता उसके हाथ में होगी और शायद यही कारण है कि इस बात को लेकर दबाव राजनीतिक तौर पर रहा, केंद्र की सरकार पर रहा और एक्ट बदल गया, जो बातें की जा रही थी वो वापस आ गई हैं। लेकिन मैं आपसे पूछने की कोशिश करती हूं कि सवर्ण अब विरोध कर रहे हैं और अब सवर्ण विरोध कर रहे हैं कि इसमें गलत क्या था जो कोर्ट ने कहा, अब हम इसे किस तौर पर देखें, क्योंकि समाज में आग जल रही है, समुदाय बट रहे हैं, समाज सुरक्षित नहीं है, ऐसे में क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो इस मुद्दे पे मैं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को एक तरह से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर बातचीत की। वो सही है बिल्कुल कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कई चीजें बदलती हैं, लेकिन एक न्याय का सवाल भी है, सामाजिक न्याय का सवाल भी है जो भारतीय संविधान में जो दिया गया है। आप देखिए कि हमारे पास अभी तक कितने आंकड़े होंगे या कितने जांच आयोग बैठे होंगे जिससे एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में जो झूठे केस में दर्ज हुए होंगे उनका आंकड़ा हमारे पास क्या है? दूसरी चीज ये कि एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट जितने भी लगाए जाते हैं क्या उन दलितों को, उन पिछड़ों को, उन पीड़ित तबकों को न्याय मिलता है? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे पास हैं। तो मैं कहना यहां ये चाहती हूं कि सामाजिक न्याय के सवाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर, खासकर एट्रोसिटी एक्ट पर, जो एक तरह से जो एक दोबारा सामाजिक न्याय की स्थापना करने की एक पहलकदमी की है, सरकार का हम स्वागत करते हैं। दूसरी चीज ये कि देखिए, बिल्कुल, मतलब ये तो बात एकदम जायज है कि राजनीतिक भी कहीं ना कहीं मंशा है सरकार की, और हम सरकार और सामाजिक जो हमारा जो ताना बाना है, हम चाहते हैं कि सरकार उस ताने बाने को, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे। अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो समाज बढ़ता है, और अगर समाज बढ़ता है तो उसमें कोई भी सुरक्षित एक तरह से नहीं रहेगा। हमारी जो समरसता, जो सरकार का भी अपना एक मूल मंत्र एक तरह से वो बोलते हैं बार बार, समरसता तभी कायम होगी जब हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। अगर इस पे सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण पे सरकार ने दोबारा से इस पर बात की है और इस फैसले का हम लोग सभी स्वागत कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का काम भी सरकार का ही है। देखिए, कानून बनता है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है, बशर्ते कि सरकार उसको, उस कानून को किस तरीके से दुरुपयोग होने से रोकती है।
जब तक हमारे पास इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के कोई आंकड़े नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारा ये सामाजिक जो ताना बाना है वो गड़बड़ाएगा, और इससे जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों का फायदा होगा ही, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव हैं तो तीनों राज्यों में जिसका आपने जिक्र किया। महत्वपूर्ण बात इसमें यह रहेगी कि ये देश संविधान से चलता है और संविधानिक प्रावधान है कि हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। और वही न्याय की एक प्रक्रिया भी है जिसका सर केंद्र सरकार ने एक तरह से पूरे SC ST। विजेंद्र सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री राजपूत करणी सेना के, उनके पास चलेंगे। ब्रजेंद्र साहब, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों इतने परेशान हैं? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही है, तभी तो ये बवाल हो रहा है। देखिए, बवाल मेरी आवाज का या बिना आवाज का नहीं है जी। जब इस देश के शीर्ष और सर्वोच्च कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक्ट्रोसिटी जो एक्ट है, SC ST का जो कानून है, उसमें अधिकतर जो मामले हैं वो फर्जी हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो द्वेष की वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से दर्ज करवा दिए जाते हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें पैसा लेकर मामला दर्ज कराने की बात भी सामने आई है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक दिन में डिसीजन नहीं दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 28 साल का एनालिसिस, यानी कि 1989 से लेकर 2017 तक की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में बताया कि 86% मुकदमे फर्जी दर्ज करा दिए जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने जो चार बात कही वो कानून सम्मत है जी। इस देश के संविधान के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले जांच DSP स्तर का एक अधिकारी करेगा, जो कि आज से पहले, यानी कि इस लोकतंत्र से पहले भी यह था कि किसी भी समय पर, अंग्रेजों के समय पर भी पहले भी यह था कि भाई जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो अन्याय करेगा, उसको दंड का विधान है। लेकिन जो आदमी निर्दोष है उसको हम बिल्कुल दंड नहीं दे सकते, ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत का प्रावधान होगा और कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ अपील कर सकता है, और विभागीय जो है, कोई व्यक्ति है तो उसके जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इस देश में जो संविधान है उसमें 302, 307, 376, 120 बी, बहुत सारी आपराधिक और गंभीर धाराएं हैं, क्या उन धाराओं में बिना जांच की गिरफ्तारी हो जाती है? क्या किसी इंसान को न्याय मांगने का मौका भी नहीं दिया जाता? और अगर ऐसा लगता है कि इसमें फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होते, तो मैं सिर्फ एक कारण पूछना चाहता हूं कि अभी दुर्ग सिंह राजपुरोहित, जो एक पत्रकार है राजस्थान के, पटना में किसी ने केस दर्ज करवा दिया और दोनों कभी मिले नहीं और दोनों ने कभी आपसी संवाद नहीं किया, तो कैसे उनको, मतलब कैसे उत्पीड़न हुआ उनका, ये चीज सामने करे सरकार, स्पष्ट करे, या जो चिंतक है वो स्पष्ट करे। विजेंद्र सिंह जी, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब तो जो एक्ट था वो एक्ट वैसा ही हो गया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? किस चीज के लिए? जो एक्ट था पहले वैसा ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को रखा वो पलट दी गई, अब इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, पहले भी ये था, उसमें पहले ये था कि 23 मामले होंगे, अब उन्होंने बढ़ा के 54 कर दिए, यानी कि जो एक कुआं था उसको भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक के खातिर गहरा करके खाई कर दिया, है ना? दोनों, मतलब इसके लिए बीजेपी को आप जिम्मेदार मान रहे हैं ना? अच्छा किया था इसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं? गुलरेश शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, बेसिकली ये आपके खिलाफ है जी, और कह रहे हैं कि बीजेपी ने खाई को और गहरा कर दिया है। देखिए सर, मैं बड़ी स्पष्टता एक बात बताना चाहता हूं, फूट डालो राज करो अंग्रेजों की प्रवृत्ति थी,
और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस आज उसी पर कार्यरत है। आप देखिए घटनाक्रमों को, 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर हमला होता है और हत्या करने की प्रयास किया जाता है, वो कहां पर किया जाता है? चुरहट में। और ये जो चुरहट है वो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का गढ़ है, और उन्हें पकड़ाते कौन है? कोई आम लोग नहीं पकड़ाते, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं पकड़ाते, 8 से 10 कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पकड़ाते। एक्ट से क्या लेना देना है इसका? एट्रोसिटी एक्ट से लेना देना क्या है पहले तो ये बता दीजिए। भूमि को खंड खंड कर राजनीतिक सत्ता का लाभ लेना कांग्रेस पार्टी की न केवल राजनीति है अपितु इनकी कूटनीति है। आप घटनाक्रमों पर प्रकाश डालें, जब गुजरात का चुनाव था तब समाज में बाइनरी क्रिएट की गई पटेल और गैर पटेल के मध्य, जब कर्नाटक का चुनाव आया तो बाइनरी क्रिएट की गई लिंगायत और गैर लिंगायत के मध्य, अभी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने का प्रयास किया गया और पत्र मिला बाकायदा अर्बन नेक्सल्स के माध्यम से, और यही कांग्रेस ही उनके समर्थन में खड़े हो गए आकर। देखिए कि अभी हार्दिक पटेल, इतना सारा टैलेंट अगर कांग्रेस में है तो आपके अंदर भी तो कुछ टैलेंट होगा। राम मांझी जाकर उनसे भेंट कर रहे हैं तो ये एक राजनीतिक मकड़ जाल बुना जा रहा है और इसकी पट कथा काफी लंबे समय से चल रही है। संकट है कि सुनता नहीं है कोई। शेख साहब, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ पूछ लूं, आपकी अनुमति हो तो। सवर्ण सभी को जोड़ने का कार्य करती है। शेख साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं। सर मुझे बहुत ज्यादा पीछे से आवाज आ रही है इको। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सारी चीजें आपने गिनाई कि मुख्यमंत्री के ऊपर जूता फेंका गया, उसके बाद फिर किस तरीके से बांटने की कोशिश की गई, गुजरात में बांटा गया, कर्नाटक में बांटा गया, थोड़ा बहुत बांटने का काम आप लोग भी करते हैं। हत्या करने की कोशिश करी गई मुख्यमंत्री की। चलिए, हत्या भी करने की कोशिश की गई, तो कुछ 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 लोग आप भी बांटने का काम करते हैं या बांटने का काम आप नहीं करते? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर, दूसी तरफ फिर आप कहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं एट्रोसिटी एक्ट में, अगर अगर एट्रोसिटी एक्ट में समण समाज के लोग, सपाक्स के लोग ये कहते हैं कि एक देश एक कानून यहां क्यों नहीं होना चाहिए? आपको फूल मिलेगा शेख साहब। एक तरफ आप कहते हैं एक देश एक कानून होना चाहिए, वो बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की होती, सुन लीजिए ना महाराज, महाराज सुन लीजिए, ही नहीं गया है। और जो आंदोलन हो रहा है ना, मैं बड़ा 2 मिनट मुझे आपको, आप मुझे बोलने दे, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे कान में आवाज रिपीट आ रही है, सुन नहीं पा रहा मैं आपको। आप ही बोल लीजिए। देखिए हमारे वेद पुराणों में राक्षसों का वर्णन है, और राक्षस जो आते थे ना वो अलग अलग वेश में आते थे, तो ये कांग्रेस भी आज राक्षस है, क्योंकि राक्षस एक प्रवृत्ति होती है, कोई जीव नहीं होता है। कभी ये किसान का रूप लेके आते हैं, कभी ये दलित भाई का रूप लेके आते हैं, कभी ये सवर्ण का रूप लेके आते हैं, कभी अर्बन नक्सल का रूप लेके आते हैं। इनकी मंशा एक ही है कि इस अखंड भारत भूमि को बांट दे पंथों में, धर्मों में, समुदायों में, भाषाओं में, और इसका विखंडन हो जाए, और विखंडन करके ये लोग देश की सत्ता पर काबिज रहे। चलिए, तो हम राक्षस जेपी धनोपिया साहब, माफ कीजिए धनोपिया साहब, मैं इनकी बातों में बड़ा खो गया था, क्योंकि आजकल कैंपेन चल रहा है ना, व्हाट्सएप कैंपेन, भाषण कैंपेन, तो देश की जनता खो जा रही है, और देश की जनता जब खो जा रही तो उनका मन और मस्तिष्क भी वैसा ही हो जा रहा है। तो मैंने आपको उस संबोधन में दे दिया, लेकिन आपने बोल दिया, मतलब शेख साहब ने कह दिया कि पूरी कांग्रेस राक्षस है, और उन्होंने जिक्र भी कर दिया वेदों का, पुराणों का। तो धनोपिया साहब, ये तमाम सारी बातें उन्होंने बताई हैं, इन बातों पर थोड़ा आप भी प्रकाश डाल दीजिए। मनोज जी, मेरे हिसाब से 3 मुद्दे हैं यहाँ पर आज। एक तो जो सपाक्ष के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जो कल बंद का आह्वान किया गया है, दूसरा जो संसद में दलितों के न्याय के प्रति जो एक संसद में प्रस्ताव पास होकर संशोधन बदल दिया गया है, और तीसरा मेरे मित्र ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हत्या करने का प्रयास किया गया है। तो तीनों बातों में पहले इनके बता देना चाहता हूं कि जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं,
वो इतने षड्यंत्रकारी होंगे कभी सोचा भी नहीं था जी। पूरे रास्ते में सारी सभा हो गई, सारे लोगों ने अपने भाषण दे दिए, आखिरी में बोलते हैं कि मेरे को पत्थर फेंके गए मेरी बस पे और हत्या करने का प्रयास किया गया। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, अगर फुटेज आपके पास हो मनोज जी तो आप देखें, कंडक्टर साइड से लोग कपड़ा फेंक रहे हैं, वो कहते हैं कपड़े में पत्थर फेंका गया है, और ड्राइवर साइड का कांच टूटा है। यह है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला। और जो चप्पल फेंकने वाली बात है, वो वही चप्पल है जो लोगों को, आदिवासियों को दी गई है, इससे कैंसर होने की संभावना है, और इसका करनी सेना के लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ हमने फेंकवाई है। और तीसरी बात, जो फेंकने वाले लोग थे वो केसरी गमछा डाले हुए सबसे आगे बैठे हुए थे। आगे बैठने वाला आदमी अनजान नहीं होता है, जब तक किसी की पहचान का नहीं होता है कोई आगे नहीं बैठने देता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लड़ाई का मामला है। और रही बात अब रिजर्वेशन के मामले को लेकर, तो आरएसएस के संघ प्रचारक आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा था बिहार के अंदर कि अब समय आ गया है, आरक्षण अब समाप्त होना चाहिए। और वहीं हमारे मध्यप्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई माई का लाल। अब इस तरह की बातें करके आप क्या करना चाहते हो? मेरे मित्र ने कहा कि हम लोग अंग्रेजों के हैं, ये है, अरे डिवाइड एंड रूल तो ये कर रहे हैं भाई, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम संशोधन पास करके उच्चतम न्यायालय के आदेश को विपरीत करके दलितों को अपने फेवर में करना चाहते हैं, और सवर्णों को प्रयोग करके उनको ये चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये कौन किसके साथ है समझ में नहीं आ रहा है। इनकी दोहरी नीति है, कांग्रेस पार्टी का पहले ही मानना था, आज ही मानना है, संविधान प्रदत्त जो लोगों को अधिकार मिले हैं उनका उपयोग होना चाहिए, उनको दिए जाना चाहिए। और मैं साफ कहना चाहता हूं, दलित आदिवासी जिसको भी जरूरत मिल रहा है वो चलना चाहिए, लेकिन जो गरीब हैं, जो अगड़े हैं, जो सवर्ण हैं, उनको आधार पर सरकार को योजना बनाना चाहिए। मामा तो रोज घोषणाएं करते हैं, करें घोषणाएं, बताएं उनको कि क्या उनके हित में काम करने की बात कर रहे हैं, क्यों इस तरह का डिवाइड रूल कर रहे हैं, क्यों इस प्रदेश को आकट वो बना रहे हैं। दरिया चुनाव होने वाला है और चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से लोगों को लड़ा रहे हैं, धनोपिया जी लड़ा रहे हैं, और ये चाहते हैं बाद में। धनोपिया जी आप भी यहीं पर हैं, आप देखेंगे, धनोपिया जी देखेगा कि घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सवर्णों के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजना। धनोपिया जी आई एम सॉरी टू से यू, आप अध्ययन धनोपिया जी, धनोपिया जी एक सवाल है, क्योंकि 2014 का जब चुनाव आया था तो बहुत से ऐसे मुद्दे आए थे जिसमें स्वाभाविक तौर पर देश को बांटने की स्थिति बनी। इसके साथ साथ फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए उसमें इसी तरह के मुद्दे थे जो जाति को बांट रहा था, समाज को बांट रहा था, इलाकों को बांट रहा था, चाहे मतलब जाति समाज वर्ग धर्म संप्रदाय तो चलता है, राज्यों को बांटने की बात हो गई थी कि अलग बुंदेलखंड बनाएंगे और दूसरे हरित प्रदेश भी बनाएंगे, वो भी अब तक बांटने की बात की गई थी, हो नहीं पाया। अब सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि भारत बंद है, और मुझे लगता नहीं है कि भारत बंद का वो व्यापक असर दिखाई देगा, लेकिन हाँ जिन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उन तीन में सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। धनोपिया साहब, इन तीन राज्यों में इस मुद्दे का असर सबसे ज्यादा क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक समाज में वर्ग भेद करना चाहती है, लड़ाना चाहती है, और वो जो बंदर वाली बात होती है, रोटी ज्यादा होगी खाली, ज्यादा होगी खाली, इस सवर्णों को दलितों को बीच में लड़ाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। ये लोग अंग्रेजों के बाद डिवाइड की राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सरकार केंद्र में आपकी है, प्रदेश में आपकी है, आपकी बाइनरी लग रही है, क्यों घोषणा नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए ना कि सवर्णों के जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं हम उनको आर्थिक सहायता देंगे, हम उनको योजना का लाभ देंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके मन में खोट है, आप सिर्फ चाहते हैं कि दलित वर्ग के खिलाफ हो जाए और सवर्ण हमारा मेरे भाई काफी वरिष्ठ है, बड़ी स्पष्टता से आपको कहता हूं कि हमारी सरकार प्रश्न है, योजनाओं का लाभ चाहते हैं, सुविधा दी जाए, उन्हें गरीब बच्चों को रोजगार दिया जाए, उसको भी महत्व दिया जाए, आप जरा जमीनी हकीकत देखिए, आप घबरा में घूम कर देखे, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर से आज किसी से नहीं पूछा गया कि तुम्हारी जात क्या थी, तुम्हारा पंथ क्या था, तुम्हारा समुदाय क्या था। जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है तो हम नहीं पूछते, जिस यहाँ तक की जिस बच्चे को विदेश में भेजा जाता है तो मामा जी कभी नहीं पूछते। नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना में किसी से पूछा नहीं कि क्या तुम्हारी जाति है, क्या तुम्हारा पंथ है, तुम गरीब हो, तुम्हारे सर के ऊपर छत रहेगी। 2022 तक हमने ये प्रण लिया है, हमने संकल्प लिया है कि देश में एक भी गरीब वंचित नहीं रहेगा, जिसके सर के ऊपर छत नहीं रहेगी। आपको इंदिरा गांधी के समय से रोटी कपड़ा मकान का नारा देते थे बेशर्मों की तरह, हम तो 2022 में करके दिखा रहे हैं, और तो और
जहां आप विदेशों में जाकर नाक रगड़ते हैं, ब्रुकलिन की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार इसी तरह चलती रही तो 2022 तक बाहर से कैसे होने वाली थी, भारत गरीब रहेगा और 2030 तक एक भी गरीब नहीं बाकी बचेगा। वाला आपका आदमी केसरिया दुपट्टा डाले बैठा हुआ है, आपके आगे बैठा हुआ है, उसे चप्पल फेंकी तो हत्या हो गई। शर्म करो भाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार कहते थे मुझे वन माफिया से वोट डाले, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जान खतरा है, ऐसा कम। अरे मेरे भाई, शर्म आपको करना चाहिए, आपके कार्यकर्ता नहीं, आपके पदाधिकारी पकड़ाए हैं। कोई कांग्रेस का आईटी सेल देखता है, कोई कांग्रेस का मीडिया का काम देखता है, कोई किसी चीज का कोऑर्डिनेटर है। अरे शर्म करो, शर्म करो। और आप नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की जो हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता गला चीख चीख के बोलते हैं। आप चाहते क्या हो? आप जो चाहते हो इस देश का विघटन हो, आप जो चाहते हो समाजों में बटा हुआ भारत अलग अलग टुकड़ों में टूट जाए। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि आप समय ले तो किस तरह से आपकी मैडम इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में मुझे लगता है देश के लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर ये मुद्दा देश में बड़ा क्यों हो रहा है और भारत बंद कल क्यों हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जो कि राजपूत करणी सेना के प्रवक्ता में, उनसे पूछना चाहता हूं, ब्रजेंद्र जी क्या भारत बंद करने से, इस तरह के विरोध करने से आपकी बात को मान लिया जाएगा और सरकार ने जो फैसला किया है उसे बदल दिया जाएगा, कोर्ट ने जो कहा है उसे फिर से मान लिया जाएगा? आपको ऐसा लगता है? शायद लगता है इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह भाजपा और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहे, ये अपनी अपनी इधर की उधर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का जो एक काम कर रहे हैं वो करते आ रहे हैं, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूं, जो 543 सांसद चुन के भेजे हैं ना, अगर जनता के पास में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था हो और अधिकार हो संविधान प्रदत्त, तो 10-15 ही संसद में अगली बार चुने जाएंगे, नहीं तो ये आधे से ज्यादा अभी वापस आ जाएं। तभी तो नहीं, इनमें से 10% भी वापस चुने नहीं जाएंगे। तभी तो नहीं, जिस प्रकार की इन्होंने जो कृत्य किए, अरे छोटे से छोटे मुद्दे के लिए इतना बड़ा बड़ा डिस्कशन होता है, कुर्सियां फेंकी जाती है। एक देश की व्यवस्था को, देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को मायने रखते हुए देखते हुए जो मुद्दा था कि जिससे समाज खंड खंड हो सकता है, उस पर किसी सांसद ने 10 मिनट चर्चा तक नहीं की, कोई पार्टी प्रस्ताव तक लाने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्या सवर्णों को और ओबीसी को इस देश से नगण्य समझ लिया है या पृथ्वीविहीन समझ लिया है कि हम है ही नहीं? हम भाजपा और कांग्रेस को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम हैं और मजबूती से हैं और लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपनी बात रखने का, इसलिए हम कल बंद बुला रहे हैं पूरे देश में शांतिपूर्ण स्वतः स्फूर्त। और दोनों पार्टियों से जनता का विश्वास पूर्णतः उठ चुका है, ये अभी तक ये नहीं कह पाए कि देश के लिए एक कानून होना चाहिए ऐसा कि जिसमें सब व्यक्तियों को समान अधिकार हो, बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी नहीं हो, विभागीय जांच हो, डीएसपी स्तर का अधिकारी जो है वो जांच करे। आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने राम मंदिर पर तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का हवाला दिया और आज तक मंदिर नहीं बना पाए, और एक्ट्रोसिटी एक्ट पर आपने 2 महीने में ही इसको पास करवा दिया, अध्यादेश लाकर राष्ट्रपति की मोहर लगवा दी। ऐसे सैकड़ों जनहित के ऐसे मुद्दे हैं, उन पर अध्यादेश क्यों नहीं लाते? भाई सबसे बड़ा सवाल है कि राम बोलते नहीं हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि राम धरना प्रदर्शन नहीं करते, उससे भी बड़ा सवाल है कि राम विरोध प्रदर्शन नहीं करते और विधायक सांसद मुख्यमंत्री मंत्रियों का घेराव नहीं करते, उन पर पत्थर नहीं फेंकते। अगर ये कर रहे होते तो शायद राम मंदिर भी बन गया होता। डॉक्टर कौशल हमारे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मांगे सवर्ण समाज की भी है, अधिकारों की बात दलित एससी एसटी के लोगों की भी है, लेकिन इन सब के बीच जो जनप्रतिनिधि हैं वो परेशान हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, निकलते हैं तो उनका घेराव कर लिया जाता है, उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, कोई जूता फेंकता है, कोई चप्पल फेंकता है, और सबसे ज्यादा असर इसका ग्वालियर चंबल अंचल, उससे लगा हुआ उत्तर प्रदेश का भाग और उससे लगा हुआ राजस्थान का भाग, यहां पर देखा जा रहा है। और इन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए? क्योंकि क्या हल निकलेगा लगता नहीं है, क्या विरोध प्रदर्शन होगा ऐसी स्थिति में दिखाई देता है, तो अब क्या होगा? समाज के लिए कितना खतरा है
कि समाज बढ़ता चला जा रहा है और बारीकी से बढ़ता चला जा रहा है और समाज का एक व्यक्ति दूसरे से नफरत कर रहा है। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले जो शेख साहब ने कहा था राक्षस वाला, मैं ये आपको बता दूं कि राक्षस एक जाति है और ज्यादातर हिंसों में पाई जाती है, जो दलित जाति भी है। तो इसके लिए तो मैं बधाई दूंगी शेख साहब को कि उन्होंने कांग्रेस को दलितों की एक तरह से घोषित बता दिया कि वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि राक्षस अपने आप में एक जाति नहीं, नहीं 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 अपने आप में एक जाति है सर, राक्षस जाति है। देखिए, जाति भी है, युग में जाति भी है, रामायण युग में। आज के युग की बात कर रही हूँ सर, आज के युग की बात कर रही हूँ सर मैं। आप यदि रामायण का अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, तो राक्षस प्रवृत्ति होती है, राक्षस व्यक्ति नहीं होता, राक्षस जाति होती है। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, हम इसलिए तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस की जो संस्कृति प्रवृत्ति है। मुझे जवाब देने दीजिए, राक्षस दलित कभी नहीं होता, मैंने ये कहा है कि राक्षस एक जाति है। पढ़ाई तो डॉक्टर कौशल पवार ने भी की है, उनकी बात सुन लीजिए। कौशल जी करवा के देख लीजिए, मुझे मेरी बात का जवाब देने दीजिए सर, मेरी बात का जवाब देने दीजिए। आप अपनी बात बोल चुके, देश के सबसे बड़े पंडित नहीं है डॉक्टर कौशल पवार भी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, उनकी बात सुन लीजिए। आप विश्लेषण कर लीजिए ना सर, अगर मैं गलत हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात सर, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, हमें इसके बुनियादी सवाल को समझने की जरूरत है, जो हम शायद नहीं समझना चाहते। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय समाज एक जाति आधारित समाज है, जातीय दंभ यहाँ कदम कदम पर काम करता है। मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि हो सकता है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो कुछ फैक्ट के आधार पर दिया हो, लेकिन ऐसी कोई जांच आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने आंकड़ों के साथ आई हो वो अभी मुझे लगता है नदारद है। आप चाहे सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए या पेपर कटिंग के माध्यम से देख लीजिए, कोर्ट ने शायद आंकड़ा कोई अभी तक पेश इस पे नहीं किया था, जो जिस पे सरकार ने अध्यादेश लाके इसको मजबूती से पेश करने की कोशिश की। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम जो एक जो भारतीय एकता अखंडता की बात करते हैं, हम एक हिंसे को पूरी तरह से नदारत मानते हैं, ये कह के कि इससे हमारे जातीय जो हमारा समाज है उसका ताना बाना बिगड़ता है। हालांकि मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करती कि हमें अपने जातीय हमारे समाज के ताना बाना को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, यह हमारी अखंडता का सवाल भी है। मैं दोबारा आपके सवाल की तरफ आती हूँ कि इसके मूल को समझने की जरूरत थी, जिसके आधार पे हमें एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट की जरूरत पड़ी। अगर भारतीय समाज इतना ही उदारवादी होता तो हमें इस एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक बात है। जो जितने भी हमारे सामने आंकड़े हैं, आप चाहे एससी एसटी कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जितने भी कलेक्टर हैं या जितने भी एफआईआर दर्ज होती है उनकी उठा के देख लीजिए, बहुत कम आंकड़ा ऐसा मिलेगा जिसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, मैं ये स्वीकार कर रही हूँ कि एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनको न्याय मिलता हो। 90-95% केसेज में दलित उत्पीड़न जो होता है उसमें उनको न्याय नहीं मिलता, वो वहां तक उलझ के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानते हुए आपके चैनल पे ये स्वीकार कर रही हूँ कि अगर किसी तरह का ऐसा दुरुपयोग होता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, गुलरेश कुछ कहना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं, शेख साहब बताएं, कंप्लीट करने दीजिए। मैं एक 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 जो बात जो आपके सामने कहना चाहती हूँ वो ये कि सवर्ण समाज अगर अभी इस एक्ट का विरोध कर रहा है, क्या उसने कभी उस जातीय आधारित दंभ का विरोध किया? राजस्थान के इलाकों में चले जाइए आप, पश्चिम क्षेत्र में आज भी दलितों को चलने का अधिकार नहीं है। इन्हीं के जहां आप हमारे माननीय भाई विजेंद्र सिंह जी हैं, उसी के क्षेत्र से आते हैं शायद, वहां पर आज भी मूछ रखने के नाम पे उनको न सिर्फ पीटा जाता है बल्कि मानव मलमूत्र पिला दिया जाता है। चेन अगर पहन ले कोई दलित उसको पीटा जाता है शरेआम। ऊना कांड की घटना हमारे यहाँ मारवाड़ में 365 दिन में से एक दिन ऐसा होता है जब कोई किसी के बच्चा होता है तो जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति हैं, जो पूरे गांव को समाज को एक साफ सफाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनको गांव के जो सबसे बड़े जो राजपूत समाज के या ठाकुर जो होते हैं वो कंधे पर बिठाकर लेकर आते हैं, पालकी में उनका सम्मान करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके चरण छूते हैं। और ये कहा जाता है कि 365 दिन या 364 दिन अगर आपने सबको सम्मान दिया है तो पूरे समाज का ये कर्तव्य है कि हम आपको सम्मान दें। और इस प्रथा के बारे में आप पूछ सकती हैं किसी से भी, और शायद दलितों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न, मेरे हिसाब से तो मैं जिस कम्युनिटी से हूं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, कभी ऐसा कभी हुआ नहीं राजस्थान में। कौशल जी,
कोई भ्रम कितना भी फैला सकता है वो एक अलग बात है सर, भ्रम नहीं है, आंकड़े हैं हमारे पास सर, आंकड़े हैं हमारे पास। वही राजस्थान है जहां दलित को घोड़ी तक पे बैठने नहीं दिया जाता। एक सरकारी मुलाजिम को प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। आपने एक दिन कंधे पे उठा लिया तो ठीक है, लेकिन देश में इस तरह की खबरें आती हैं, इनकार नहीं कर सकते। अखबारों में, टेलीविजन चैनल में इस तरह की खबरें आती हैं, और ऊना का जिक्र किया, बहुत सी ऐसी जगह हैं। शेख साहब कुछ कहना चाह रहे थे, शेख साहब बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता में विश्वास रखती है। हमारे निकट हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, दलित हो, सॉरी अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सिख हो, कोई भी हो, सभी महाभारती की संतानें हैं और हम इनमें विखंडन ना होने देना अपना परम कर्तव्य। लेकिन आपके पार्टी के तमाम राजनेता मुसलमानों को, मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। जा रही है और इसके पीछे गाय और सुअर का गोश्त खाने वाला इटली का एक हाथ जिम्मेदार है। बात आगे बढ़ गई है धनोपिया जी, फिर आपके ऊपर आ गई है। देश से निकलकर इटली तक बात पहुंच गई है धनोपिया जी। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जिनकी सोच नहीं है, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय स्तर की बहस में आप बिठा देते हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे मित्र किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की बात करना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं 5 चुनाव से देख रहा हूं, कभी भी किसी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। कहां लगे हुए? आप एक काम करें, आप एक लोगों को मिल गए लालीपाप में, टीवी पे बैठा छोड़ूंगा। एक दिन से पूछे क्या हो रहा है, आज सारे के सारे मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से शहर दबा हुआ है, जरा परेशान है, घुटन महसूस कर रहा है, जिस तरह का माहौल होता है आप देख भी सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आरएसएस की विचारधारा को लेकर देखिएगा, सारे के सारे माहौल बिगाड़ते हैं। ये लोग हैं, छोटी लोग, छोटी भाषा, छोटा प्रचार, साथ में कोई मतलब नहीं है। विचार करना चाहिए कि आखिर आज क्या हो रहा है। सिर्फ 3 राज्यों में चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संघ के इशारे पर एक सदन किया है कि दलित को सवर्ण को बांट दो, दलित तो कम है, सवर्ण ज्यादा है, सब हमारे पास आएंगे, ग्रहण करते हैं, कहना चाहते हैं आपके पास हैं। देखिए, कभी बोलने के लिए कड़वी बात बोलना चाहती है। गरीब को हक मिलना चाहिए, दलित को हक मिलना चाहिए, मुसलमान के बच्चे को हक मिलना चाहिए, गरीब आदमी को हक मिलना चाहिए, जाति को होना चाहिए। केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार को लाभ मिलेगा, परंतु हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे देश को नुकसान होगा, हानि पहुंचेगी। करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। 2 अप्रैल को भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बंद हुआ, 8-9 लोगों ने उन्होंने हत्या करवा दी। ये हालात है इन लोगों के, किस तरह के लोग हैं। और कल भी भगवान बचाए, शांति से बंद निकल जाए। मैं तो दुआ करूंगा ईश्वर से कि भारतीय जनता पार्टी को लोग सद्बुद्धि दे, वरना कोई भरोसा नहीं इन लोगों का। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं, जब सिमी के आतंकवादियों को मारा था तब आपकी पार्टी, उनके लोग उनके समर्थन में खड़े थे। मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, आप लोगों ने किसानों के बीच में आपने किस प्रकार से झंडा मचाया था मंचौर में, मंचौर के वासी नहीं बोले हैं। किसान कभी भी अपनी उपज नहीं देखता, कभी झूठ जमीन पे नहीं देखता। आपके कांग्रेसी थे, आपके जीतू पटवारी, सॉरी जी, हाँ, आपके जीतू पटवारी विधायक जो है और आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और अभी कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वो बाकायदा वीडियो में पकड़ाए गए किस प्रकार से वो प्रवोक कर रहे हैं किसानों को आंदोलन करने के लिए। ये आंदोलन जो हो रहे हैं ना, ये कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के बहरूपियों के द्वारा, कांग्रेस के राक्षसों के द्वारा समाज में विघटन करने के लिए कराए जा रहे हैं। और इसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं। बार बार राहुल गांधी जो विदेश जाते हैं, आप देखिए, जब भी विदेश से आते हैं इस देश में एक नया सोचा झुकता है, क्या कारण है उसकी जांच होना चाहिए। और आज तो यहाँ तक कि राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर भी केस दर्ज हो गया है। मालूम है आपको, अदालत में न्यायालय में शेख साहब, राहुल गांधी भारतीय नागरिक। शेख साहब, अभी आपने कांग्रेस से कहा कि वो एफिडेविट दें कि वो मांस नहीं खाते हैं। मेरा एक सवाल है कि क्या मांस खाना अपराध है? और अगर आपकी नजर में अपराध है तो यही एफिडेविट क्या आप बीजेपी के नेताओं से भी मांगेंगे? शेख साहब, अभी आपने जी कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले कहा, मैं
कोरोना में बड़े मैं देखिए बड़ी शांति से उत्तर दे रहा हूं, मैं बड़ी शांति से उत्तर देता हूं। देखिए गोश्त में भी खाता हूं गोश्त, लेकिन शांति से दे रहे हैं, बोलता जहर घोल रहे हैं आप, शांति का उत्तर दे रहे हैं मैं भी खाता हूं, समाज संघर्ष कराना चाहते हैं, लेकिन आप सुनिए कमलनाथ जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर पंचायत में हम गौशाला खोलेंगे। अरे कमलनाथ जी आप इतना तो बोल दो, एफिडेविट तो दे दो कि आपकी सोनिया गांधी का परिवार गोमांस का सेवन करता है कि नहीं करता। बेचारी गायों की मृत्यु हो रही है, 6-6, 7-7 हजार शेख साहब हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और आपको पता है इस देश में मोर की हत्याएं होती हैं, कितने मोर देश में साल में मारे जाते हैं, उन पर कभी बवाल नहीं होता, गाय पर बवाल होता है, पूरे पक्षियों में सारे जानवरों में होड़ मच गई है कि जब वो ऊपर जाएंगे तो वो कहेंगे कि अगले जन्म में हमको गैया ही कीजिए, कोई और जानवर मत बताइए, शेर भी मत बनाइए, इस देश में शेरों को भी माना जा रहा है, इतना हल्ला नहीं हो रहा है राष्ट्रीय पक्षी पर, हल्ला नहीं हो रहा है। डीआईजी लेवल का अधिकारी मोर के शिकार में जेल गया है, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, जानकार हैं, इनसे और जिस अगर कमलनाथ ने ये कहा है, अगर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने, जनाब सुन लीजिए ना शेख साहब, एक सबसे बड़ी बीमारी है, सुनता नहीं है कोई आजकल, एक अजीब परंपरा बन गई है, शेख साहब अगर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने यह कहा है कि वो हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे तो इसमें गलत क्या है? आप भी गाय को सम्मान दे रहे हैं, वो भी गाय को सम्मान दे रहे हैं, और आपको याद है कि आपने तो आगर मालवा में गौ अभ्यारण बनाने की बात की जी, सालों हो गए अभी तक गौ अभ्यारण बना नहीं है, आप अगर इतने ही बड़े गौ सेवक हैं तो कम से कम गौ अभ्यारण बनवा लेते, आज तक नहीं बन पाया है, जवाब दीजिए इसका। सर मैं आपकी बात सुन रहा हूं लेकिन इको इतना आ रहा है कि मैं सुन नहीं पा रहा ढंग से, मेरे पास आपकी आधी आधी आवाज आ रही है, मेरा ये कहना मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट सुनाई दे रहा है मुझे, इसलिए सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रहा ढंग से, परंतु हाँ देखिए ऐसी बातें गौशाला बनाने की घोषणा कर रहे हैं, हम अभिनंदन करते हैं उस बात का, लेकिन उसके आड़ में पाखंड ना करें, यदि आपके राष्ट्रीय आपका जो राष्ट्रीय परिवार है, आपका प्रथम परिवार है, वो लोग अगर गोमांस का सेवन करते हैं और देश जानना चाहता है कि वो गोमांस का सेवन करते हैं कि नहीं करते, आप एफिडेविट दे दे, आप शपथ पत्र दे दे। शेख साहब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एंकर हूं, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गौमांस आपने सप्लाई किया उनके घर पर, क्या गौमांस आपने उनके घर पर सप्लाई किया जिससे आपको पता है कि वो गौमांस खाते और बनाते हैं, क्या आपने सप्लाई किया, तो क्या ये लोग आपने पहुंचाया? अरे मेरे हम बहस कर रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, फॉरेन की ब्रीड है, इटली की ब्रीड है, इनका स्टेपल फूड ही गोमांस होता है, इटली में जाके गोमांस खाते हैं कि नहीं खाते, इनसे शपथ पत्र ले लें। बहस दूसरी दिशा में चली गई है कौशल जी, क्या करें अब मुझे लगता है कि ये जो पूरा देश में बवाल हो रहा है, फसाद हो रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्ट से हम सीधा गोमांस की तरफ चले गए और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जब भी कोई ऐसे काम की बात हो तो खान पान पे लेके चले जाइए। देखिए खान पान हमारे भारतीय संविधान में हर एक आदमी को आजादी देता है, वो कोई जरूरी नहीं अगर मैं गोमांस नहीं खाती तो हम दूसरे की इस तरीके से बिना किसी आधार पे मोब लॉन्चिंग तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं चैनल पे बैठ के जब ऐसी चर्चा होती है तो समाज के ऊपर जो प्रभाव जाता है आम आदमी जो करता है, खैर एनीवे मैं इसके ऊपर नहीं बात पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जी। मैं सीधा ये कहना चाह रही हूँ भारत बंद के मुद्दे पे, सीधा सी बात है हमारे सामने बिल्कुल लेटर भी आ चुका है कि इसमें ओबीसी समाज का समर्थन नहीं है, वैश्य समाज का समर्थन नहीं है, सवर्ण समाज बल्कि सामान्य वो भी ज्यादातर देवकी नंदन ने जो आह्वान किया या फिर ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको आग में धकेलना चाहते हैं इसको, ताकि दलितों का और सवर्णों का, देखिए समाज में लोग सारे इकट्ठे रहते हैं, कई बार दलितों को भी सवर्णों की जरूरत पड़ती है और कई बार सवर्णों को भी दलितों की जरूरत पड़ती है, समाज में इकट्ठे मोहल्ले जब हैं, गाँव हैं या शहर हैं, कॉलोनियाँ हैं, उसमें सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ कि कल का जो आह्वान है वो सिर्फ एक खास सोच का है, बल्कि
एक खास सोच जो बिना किसी बिना सिर पैर के ये चाहती है कि इस बंद का आह्वान समर्थन करे, जबकि घोषित रूप से वैश्य समाज का लेटर है, वैश्य महासभा जो मध्य प्रदेश की है उसने ये कहा है कि हमारा कोई समर्थन इसमें नहीं है। भाई साहब ने बोला था करणी सेना वाले ने कि ओबीसी इसमें समाज है, बिल्कुल ठीक। और मेरे दोनों साथी हैं, मेरे दोनों साथी हैं, शेख साहब भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धनोपिया जी हैं, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि जब समाज बढ़ता है और समाज में वैमनस्यता बढ़ती है तो ये देश के लिए खतरा है। शेख साहब, धनोपिया जी, क्या हम समाज में ऐसा संकेत नहीं दे सकते कि अगर ये घट रहा है तो दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने इलाकों में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, जाएं और समाज के लोगों को समझाएं कि देखिए ये संविधान की चीजें हैं, ये कानून की चीजें हैं, और ये सब करने से, आपस में वैमनस्यता पैदा करने से, खाई बढ़ाने से होती नहीं है। क्या इस देश के राजनेता ये संदेश नहीं दे सकते? धनोपिया जी, संक्षेप में आप बता दीजिए सबसे पहले, शेख साहब फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। मनोज जी, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं पहले कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, करें आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पहल करें, सवर्णों के लिए, गरीबों के लिए, ब्राह्मणों के बच्चों के लिए, सबके लिए योजनाएं दें, उनको लाभ दें, हम उनके साथ करने संदर्भ में खड़े हैं। लेकिन दलितों के साथ अन्याय करने की जो बात है वो ना करें, हम उनके साथ भी हैं और सवर्णों के साथ भी हैं, हम न्याय व्यवस्था के साथ हैं, सबको समान अधिकार दिलाने के साथ। शेख साहब, देखिए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर चलते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीतिक छुआछूत से मना किया है, इसलिए हम तो कहते हैं कि कांग्रेस के मित्र भी आए, हाथ में हाथ पकड़ के चले हमारे साथ, सभी समाज समुदायों को, सभी समाजों को गले लगाए, उज्जवल मध्य प्रदेश, उज्जवल भारत के लिए कार्य करें। ये वाकई ये होना चाहिए, और अगर दोनों राजनेता हमारे ऐसी बात कर रहे हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे राजस्थान को, पूरे छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को, क्योंकि अगर ये पहल होगी तो शायद देश की दशा और दिशा बदलेगी। हम वाकई उस शक्ति, उस पावर का जिक्र जो करते हैं, विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम बनने की बात करते हैं, वो बन पाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं होगा और हम एससी एसटी दलित सामान्य सवर्ण इन सब में बटेंगे, ओबीसी में बटेंगे, तो शायद मुमकिन नहीं है। खैर, कल भारत बंद है, भारत बंद होगा तो इंतजार करना होगा कि क्या परिस्थितियां होंगी, देखना होगा। लेकिन फिर भी सभी समाज के वर्गों को कम से कम थोड़ा सा संयम बरतना होगा। इस पूरी चर्चा में सभी लोग मेरे साथ मौजूद रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ।